लाख वोट मिला था गठबंधन का मध्य नीतीश जी को भी काफी 15% वोट मिला उस हवा में भी दोनों वोट को जोड़ दो गठबंधन और नीतीश कुमार के वोट 45% वोट होता है रवि भैया 45% वोट में कहीं भी भाजपा का आता पता नहीं है और भारी गठजोड़ यहाँ किया उन्होंने हम लोग पर आरोप लगाते हैं कि जो गठजोड़ किया अरे हम तो नीतीश कुमार हम एक ही परिवार के एक ही घर के एक ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जननायक ठाकुर जी बाबा साहब अम्बेडकर उसी परिवार के लोग हैं चौधरी चरण सिंह हम ठीक है हम बिखर गए थे पड़ गए थे लड़ गए थे लेकिन इन्हीं चीजों को अगर हम पोसते रहेंगे ढूंढते रहेंगे तो देश बहुत नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि जिनका आजादी के लड़ाई में कोई योगदान नहीं वो सत्ता पर लोग बैठ गए हैं आजादी की लड़ाई की बात तो दूर रही जो इमरजेंसी लागू हुआ था और इमरजेंसी में देश के हजारों हजार लोग लाखों लोग मीसा के साथ बंद थे अमृत बंद लेकिन ये जो आरएसएस है और विद्यार्थी परिषद और बीजेपी के लोग इतने बहादुर लोग हैं जेल के डर के मारे इंदिरा जी के विश्वकुरी कार्यक्रम का समर्थन देके हड्डी गुर्दी बोल के जेल से निकले हुए थे इतने बहादुर लोग हैं नरेंद्र मोदी बोल रहा दुनिया में डंका बज रहा नहीं कौन बजा रहा सभी भाई और बहन नौजवानों आप इकट्ठा होना लड़ाई मामूली लड़ाई नहीं है देश गलत हाथों में गया राम राज लाएंगे राम राज हर हाथ को काम हर खेत को काम कहां से लाओगे अभी तो सुधार हो गया ला के दिखाओ इतने भी आज इस झंझट में आप लोग पड़ गए गरीब में चले गए इन लोगों का अफवाह में वोट दे दिया अभी सुन कराए जाकर कोई बढ़िया पंडित जिससे पता करना कि सवा 6 बजे जो टाइम होता ये दिन वो हुआ है नरेंद्र मोदी का दिल्ली में वो टाइम सवा 6 बजे कैसा था देश के लिए गदरेल टाइम था गदरेल जितने भी आज इस झंझट में आप लोग पड़ गए ग्रीप में चले गए इन लोगों का अफवाह में वोट दे दिया जाके कोई बढ़िया पंडित जी से आज पता करना कि 6:15 बजे जो टाइम होता जिस दिन वो हुआ है नरेंद्र मोदी का दिल्ली में वो टाइम 6:15 बजे कैसा था देश के लिए गदरेल टाइम था गदरेल अब गदरेल टाइम में ही याद करना पंडित जी आपको बता देंगे अगर ईमानदारी होगा तो उसी दिन से देश में अशुभ हो रहा है चारों तरफ प्रकृति से कोई बड़ा नहीं है उसी दिन गोरख धाम ट्रेन हमारा उलट गया और सैकड़ों हमारे बच्चे और बच्चियां हैदराबाद के उधर उत्तरांचल में दह गया उनका अभी भी बड्डी भी नहीं मिला नरेंद्र मोदी हाल ही में गए नेपाल में वहां भी अशुभ हो गया पहाड़ का चट्टान चूट के पानी बिल्कुल बड़ा खतरनाक स्थिति में बिहार सरकार सबको परेशानी बढ़ी कि बिहार गया रेवा कोसी नेपाल में तो ये वहां भी खतरा हुआ इसका पार्टी का लोग बोलता नरेंद्र मोदी जो नेपाल में गए तो धीरे धीरे पानी बहवाए तब बिहार बच गए